सुख शांति संतोष और आनंद। तो देखिए, जो पिछला वाला जो अध्याय था वो था रहस्य मुक्ति का। तो अब रहस्य मुक्ति, ये जो सारे अध्याय जो पूरे हो गए जिसमें हमने सह अस्तित्व के मूल स्वरूप का अध्ययन किया, उसमें मानव के स्वरूप का अध्ययन किया, मानव के स्वभाव का अध्ययन किया, धर्म का अध्ययन किया, मानव की सह अस्तित्व में स्थिति का अध्ययन किया, और ये सब के बाद में हम जिस लक्ष्य के ऊपर मानव पहुंचना चाहता है उस लक्ष्य के बारे में इस अध्याय में चर्चा है। तो मानव का जो अध्ययन किए, जो उसका उद्देश्य ही है कि मानव सुख चाहता है, सुख शांति संतोष और आनंद। सुख की ही चार स्थितियां हैं, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि मन और वृत्ति के मध्य में तालमेल का स्थिति का नाम सुख है, फिर उसके बाद वृत्ति और चित्त के तालमेल की स्थिति का नाम शांति है, और चित्त और बुद्धि के तालमेल की स्थिति का नाम जो है वो संतोष है, और बुद्धि और आत्मा के तालमेल की स्थिति का नाम आनंद है। तो पहली अनुभूति है, मानव ने अनुभूति में सुख शांति संतोष और आनंद सहज निरंतरता पाने का प्रयास किया है। अनुभूति के लिए योग आवश्यक है। योग के प्राप्त एवं प्राप्य दो भेद हैं। प्राप्य योग में किसी के योग में किसी का वियोग भी है, प्राप्त योग में ना किसी का योग है और ना ही किसी का वियोग है। प्राप्ति उसी की होगी जिसका अभाव होगा। प्राप्त योग व्यापक सत्ता से रिक्त मुक्त कोई इकाई नहीं है या क्रिया नहीं है, इसीलिए प्राप्त योग का ही सानिध्य अथवा संग्रह होता है तथा प्राप्त योग की मात्र अनुभूति होती है। तो इन दोनों सूत्रों को देखेंगे तो पहला सूत्र तो अपने आप में स्पष्ट है कि मानव ने अनुभव में सुख शांति संतोष आनंद की निरंतरता को पाने का प्रयास किया है, और इसके बाद में जैसा हमने अध्याय 11 में पढ़ा था योग में कि अनुभूति के लिए योग आवश्यक है और मिलन की योग संज्ञा है, और योग के फिर हमने दो प्रकार देखे थे, प्राप्त योग और प्राप्य योग। तो प्राप्त योग जो है जिससे जिसका वियोग नहीं होता है, और फिर उसके बाद में प्राप्य योग जो है वो है जो कि चीजों के मिलने से होता है, कि कोई चीज किसी से आकर मिलती है तो उसको प्राप्य योग कहते हैं, है ना। जैसे हम जाते हैं किसी पेड़ पौधे को देख लेते हैं तो उसका वो एक मिलन है। तो कोई भी प्राप्य योग जो होगा वो भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ होगा, किसी और व्यक्ति के साथ में होगा, ठीक है। तो प्राप्त योग इस प्रकार से सानिध्य और संग्रह होता है। तो जैसे गुरु का भी सानिध्य होता है ना, वो भी एक प्राप्त योग है, और व्यापक सत्ता से प्राप्त योग है। अगला सूत्र पढ़ते हैं, प्राप्त योगानुभूति के लिए सुयोग्य क्षमता योग्यता और पात्रता ही अधिकार है। ऐसी सुयोग्य क्षमता योग्यता और पात्रता प्राप्त करना ही इकाई की जागृति का चरमोत्कर्ष है। सुयोग्य क्षमता योग्यता और पात्रता के लिए सह अस्तित्व में अध्ययन है। अनुभव के लिए मानव ने अध्ययन प्रयोग अनुसंधान तथा अभ्यास भी किए हैं, जो मानवीयता और अति मानवीयता के रूप में परिलक्षित हुआ है। इस दिशा में जागृति का परिचय चैतन्य ज्ञानावस्था के जागृत मानवों में ही पाया जाता है, जो मानव देव मानव एवं दिव्य मानव के रूप में है। मानव देव तथा दिव्य मानवों की संख्या वृद्धि के लिए समुचित प्रयोग अध्ययन व्यवहार व व्यवस्था के स्तर में एक सूत्रता को
अनुस्यूत किया जाना मानव कुल के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसे मानवों द्वारा अपराध या अपव्यय की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्राप्त योगानुभूति या ब्रह्मानुभूति या सहस्तित्व में अनुभव, इसके लिए हमें मानव जीवन इकाई में क्षमता योग्यता पात्रता को अर्जित करना है ना, तो उससे एक अधिकार बनता है। तो ब्रह्मानुभूति का अधिकार जो है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो ब्रह्मानुभूति का अधिकार जो है यहाँ पे जो मार्ग दिखाया गया है वो मार्ग दिखाया गया कि सह अस्तित्व में अध्ययन पूर्वक ये अधिकार जागृत होता है, अधिकार प्राप्त होता है ना। तो उससे इसको प्राप्त करना ही इकाई की जागृति का चरमोत्कर्ष है। फिर उसके बाद में इसी के एक्सप्लेनेशन में आगे फिर लिखा है कि जागृति का परिचय जो है वो मानवीयता और अति मानवीयता के स्वरूप में होगा। तो मानवीयता तो मानव के स्वरूप में और अति मानवीयता देव मानव और दिव्य मानव के रूप में है। और साथ में इस प्रकार से लिखा कि मानव देव मानव और दिव्य मानवों की संख्या वृद्धि के लिए है ना, कि ज्यादा लोग जागृत हो सके, तो इसके लिए प्रयोग अध्ययन व्यवहार और व्यवस्था इन सब को एक सूत्रित करने की आवश्यकता है ना, इनकी एक सूत्रित करना जो है वो एक अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसे जो विकसित मानव है ना, तो ये हमने कई बार कहा इस दर्शन में हमने पढ़ा है कि विकसित के ही अविकसित के लिए प्रेरणा देता है और उसको उसके सानिध्य में ही अविकसित का विकास होता है। तो अध्ययन विधि में, परंपरा विधि में, सानिध्य सामीप्य विधि से ही एक व्यक्ति से दूसरे के जागृत होने की संभावना रखी है, उसको हमने प्राप्त योग भी कहा है। तो ऐसे मानवों द्वारा अपराध और अपव्यय की संभावना नहीं है, है ना। देखिए अपराध और अपव्यय क्या होता है, अपराध जो होता है वो मानव मानव की परस्परता में होता है, जो सामाजिक स्तर के ऊपर जो सामाजिक नियम का पालन नहीं होता है उसको हम कहते हैं अपराध, यानी कि स्वधन के विपरीत में परधन का जो होता है उसको अपराध कहते हैं, है ना, और परनारी पर पुरुष आचरण को अपराध कहते हैं, क्रूरता पूर्वक आचरण को अपराध कहते हैं। और अपव्यय जो होता है वो भौतिक रसायन, कुछ डिस्कनेक्ट हुआ था शायद, अभी ठीक है क्या? आई थिंक आप मुझे देख पा रहे हैं, कोई एक मैसेज कर देंगे। ओके सो आई थिंक ओके सो वी विल बिगिन नाउ। ठीक है, तो ऐसे विकसित मानवों द्वारा अपराध और अपव्यय की संभावना नहीं है। तो इसमें लिखा है अज्ञान अत्याशा अथवा अभाववश ही मानव अपराध करता है और अविवेकवश ही अपव्यय करता है ना। इसमें अपराध और अपव्यय को आगे और अगले सूत्र में एक्सप्लेन किया है कि क्यों मानव अपराध करता है। एक तो अज्ञानवश करता है, अत्याशा मतलब जिस चीज की एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर देना, और तीसरा है अभाव या दरिद्रतावश, उससे मानव अपराध करता है ना। तो एक बार एक चर्चा में बाबा जी इस प्रकार से बताए थे, दरिद्रता ही अपराध है और अपराध ही दरिद्रता है। तो मतलब आदमी जो है समृद्ध अगर होता है तो समृद्ध व्यक्ति, समाधान समृद्ध समृद्धि संपन्न व्यक्ति कभी भी अपराध नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इस दर्शन में जैसे वो मतलब दरिद्रता को पूजने वाली बात बिल्कुल भी नहीं की है, उसके विपरीत में यहाँ कोई ऐसा बात नहीं करेगी दरिद्र नारायण होते हैं, इस प्रकार की कोई बात इसमें नहीं कही है। दरिद्रता को एक कमजोरी के रूप में बताया है जिसका निराकरण आवश्यक है ना। तो दरिद्रता को अपराध का कारण के रूप में बताया है, और समाधान के साथ में दरिद्रता की संभावना नहीं है, है ना। हम दरिद्र समाधान संपन्न हो और हम दरिद्र हो, है ना, हम दूसरों से प्रमुख अपेक्षा करते हो, तो ये इन दोनों का कोई मेल नहीं है। ठीक,
और अविवेकवश ही मानव अपव्यय करता है। अपराध और अपव्यय ये दोनों व्यवहार मानवीयता और सामाजिकता की दृष्टि से सहायक नहीं है। अजागृतिवश अपराध है, ये आई थिंक दोनों क्लियर है। मध्यस्थ क्रिया या आत्मा का अध्ययन अनुसंधान पूर्वक प्रस्तुत मध्यस्थ दर्शन का शोध पूर्वक अध्ययन अनुसरण ही एक सूत्रता है। एक सूत्रता न्याय धर्म तथा सत्यतापूर्ण व्यवहार विचार एवं अनुभूति ही है। तो ये जो हम कर रहे हैं वही एक सूत्रता की ओर है। क्यों, क्या हम कर रहे हैं, जो अनुसंधान पूर्वक जो मध्यस्थ दर्शन प्राप्त हुआ है उसका शोध पूर्वक अध्ययन अनुसरण कर रहे हैं, है ना, ताकि हम एक सूत्रता को पा सके। तो कहां पर एक सूत्रता को पाना है, तो इस प्रकार से हमने पाया कि मानव के चार आयाम हैं, है ना, अनुभव विचार व्यवहार और व्यवसाय। तो इन चारों आयामों में एक सूत्रता को पाना, है ना, ये शोध और अध्ययन पूर्वक हमको करना है। शोध और अध्ययन अभ्यास पूर्वक हमको इनको पाना है। मानव को विचार के अभाव में किसी भी सम विषमात्मक क्रिया संभावना नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हुआ कि मानव का जब हम इसमें अध्ययन करते हैं तो मानव में सूक्ष्म क्रिया की पहचान होती है कि मानव केवल स्थूल वस्तु नहीं है, उसके मूल में सूक्ष्म क्रिया है। सूक्ष्म क्रिया क्या है, आशा विचार और इच्छा जो है वो सूक्ष्म क्रिया है, और बिना उस सूक्ष्म क्रिया के उसका कोई भी सम विषमात्मक सम क्रिया या विषम क्रिया भी नहीं उसके द्वारा संभव है। तो हर जो भी कुछ मानव करता है उसके मूल में कोई ना कोई विचार उसमें रहता ही है। अगला सूत्र है, सत्य पहले से ही प्राप्त सत्ता है जिसकी उपस्थिति जागृति के पूर्व भी पाई जाती है और अंतिम ह्रास भी इसमें ही अवस्थित है। इसी के आनुषंगिक जो अनुभूति है उसे पूर्वानुक्रम की संज्ञा है। ऐसी स्थिति में, ऐसी अनुभूति में ही मानव ने समाधान एवं आनंद की निरंतरता का अनुभव किया है। तो इसमें ये कहा है कि सत्ता जो है वो पहले से ही प्राप्त है, अनुभव कर लेने से सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, है ना। तो सत्ता की स्थिति यथावत बनी हुई है, तो अजागृत जीवन की स्थिति भी सत्ता में, सत्ता की स्थिति यथावत है, और पूर्ण जागृत में भी सत्ता की स्थिति यथावत है। विकास किस में हो रहा है या क्षमता योग्यता पात्रता किस चीज में अर्जित हो रही है, तो ये पता लगता है इकाई में क्षमता योग्यता पात्रता का अर्जन हो रहा है। तो इकाई जो है वो क्षमता योग्यता पात्रता को अर्जित करती है। अंतिम ह्रास से लेके ये सारी जो स्थितियां हैं, है ना, वो सभी सत्ता में ही हैं, और इसके आनुषंगिक मतलब सत्ता के अनुसार जो अनुभूति है उसको पूर्वानुक्रम कहा है। आत्मा पूर्वानुक्रम मतलब आत्मा, आत्मा के अनुसार जो सारा क्रम जीवन में हो जाता है उसको पूर्वानुक्रम कहा है। और ऐसी जब अनुभूति में मानव ने समाधान और आनंद की निरंतरता का अनुभव किया है, है ना, तो ये जो सत्ता में जो अनुभव है यही जो है वो बुद्धि को आप्लावित करता है, जो आगे फिर चित्त में स्थिरता को बनाए रखता है, चित्त में जो है शांति और सुख का स्वरूप बनता है, और वो जीने में समाधान के रूप में प्रमाणित होता है। मानव में तीनों येष्णाएं मानवीय विषय प्रवृत्ति के रूप में स्पष्ट हुआ रहता है, है ना। दृष्टि न्याय प्रधान धर्म व सत्य सम्मत रहती है। इनका स्वभाव धीरता वीरता उदारता के रूप में पहचाना गया है। ऐसे विषय प्रवृत्ति स्वभाव व दृष्टि संपन्न मानव को जागृत मानव के रूप में पहचाना गया है। इन्हें सर्वतोमुखी समाधान ही रहता है, उसे क्रियान्वयन करने की स्थिति में एषणाएं विशेषकर पुत्रेष्णा वित्तेष्णा सीमित क्षेत्रों में व्यक्त करने के लिए व्यस्त रहते हैं। इस विधा में
मानव उपयोगी बनी रहती है। इसलिए देव मानव दिव्य मानव के रूप में व्यक्त होना, प्रमाणित होना, आवश्यकता के रूप में होना पाया जाता है। तो इसमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन है इस सूत्र में। तो मानव में जो तीनों एषणाएं हैं, एषणा के हमने पहले पढ़ा था कि तीन प्रकार की एषणाएं होती हैं, वित्तेषणा, पुत्तेषणा और लोकेषणा। तो पुत्तेषणा है जनबल कामना, वित्तेषणा है धनबल कामना और लोकेषणा है यश बल कामना। तो ये जो कामनाएं हैं या एषणाएं हैं, ये पूरी तरीके से सामाजिक है, है ना। मतलब कामना होना या धन की कामना होना या जन की, या फिर हमारे साथ और लोग भी हों इस प्रकार की भी कामना करना या संतान की कामना करना, ये एक मानव के लिए सामाजिक बात है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है। तो सामाजिकता जो है वो एषणाओं के साथ में ही है, और मानवीयतापूर्ण आचरण जो है एषणाओं के साथ प्रमाणित हो सकता है, है ना। तो मानवीयतापूर्ण आचरण जो है वो एषणाओं के साथ प्रमाणित हो सकता है, और इसमें जो है दृष्टि जो है, यानी विचार में जो दृष्टि है तुलन की, वो न्याय प्रधान रहती है और धर्म और सत्य सम्मत रहती है, है ना। तो हमने ये बात को पहले अध्ययन किया है कि तुलन में न्याय धर्म और सत्य ये दृष्टियां हैं, और प्रिय हित लाभ दृष्टियां हैं। तो अनुभव मूलक विधि से न्याय धर्म सत्य दृष्टियां प्रधान हो जाती हैं और प्रिय हित लाभ दृष्टियां उसमें विलय स्वरूप में रहती हैं। और मानव पद में जो स्वभाव है वो धीरता, वीरता और उदारता के रूप में पहचाना गया है, है ना। तो धीरता की परिभाषा हमने पढ़े थे, धीरता का मतलब है न्याय में निष्ठा और दृढ़ता ना। तो आप देखिए परिभाषा कितनी मतलब एक कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो निष्ठा भी है और दृढ़ता है, है ना। तो उसको हम बोल रहे हैं धीरता। फिर वीरता है कि दूसरे को भी न्याय दिलाने में अपनी शक्तियों का नियोजन, है ना, वो वीरता हुई। तो अब धीरता के साथ में वीरता हुई, मतलब स्वयं न्याय में दृढ़ता और निष्ठा को बनाए रखते हुए दूसरे को भी उस स्वरूप में बनाने की उपलब्ध करा देने के रूप में वीरता है। फिर तीसरा है उदारता, वो है अब जो हम तन मन धन का जो है वो हम दूसरे के लिए सदुपयोग कर पाए, उसको हम उदारता के रूप में देखते हैं। तो ये मानवीय स्वभाव के रूप में देखा गया है। तो आप ये देखेंगे कि इससे पहले के जो स्वभाव हैं, है ना, वो कैसे स्वभाव हैं, दीनता, हीनता, क्रूरता, है ना। और उससे पहले जीवों में किस प्रकार का स्वभाव देखा आपने, जीवों का अंदर देखा हमने क्रूर या अक्रूर स्वभाव। उससे पहले पेड़ पौधों में क्या स्वभाव देखा, सारक या मारक स्वभाव। और उससे पहले देखा पदार्थावस्था में संगठन और विघटन स्वभाव। तो देखते हैं हम ये दोनों तीनों अवस्थाओं में, है ना, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था में स्वभाव जो है वो सम विषमात्मक है, उसमें पोलैरिटीज दिखाई देती है। संगठन है तो उसके साथ विघटन भी है, है ना, सारक है तो मारक भी है, क्रूर है तो अक्रूर भी है। तो उसका उनमें जो संतुलन है वो पोलैरिटीज के साथ में है। और देखिए जब हम ना ये पशु मानव, राक्षस मानव या कि अमानव के स्वरूप में देखते हैं, तो स्वभाव का वहां पर देखा हमने देखा ये दीनता, हीनता और क्रूरता है। तो वहां पे देखेंगे तो क्रूरता और दीनता जो है वो एक प्रकार से किसी संतुलन को पाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी राक्षस मानव क्रूरता प्रधान स्वभाव है और पशु मानव दीनता प्रधान स्वभाव है। राक्षस मानव पशु मानव के ऊपर एक प्रकार से शासन कर रहा है, उस विधि से किसी प्रकार से वो संतुलन, उस पोलैरिटीज को या उस ध्रुवों को वो व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो हो नहीं पा रहा है। तो भ्रमित स्थिति में दीनता और क्रूरता का के बीच में एक प्रकार से टग ऑफ वॉर सा चल रहा है, है ना। और ये भी नहीं है जो आज दीनता प्रधान व्यवहार कर रहा है कल वो उसको क्रूर होना ही है। तो ऐसा नहीं है कि जो दीन व्यक्ति है वो किसी प्रकार से मानवीय है, ऐसा नहीं है, है ना। तो हमारी जो
प्रार्थनाएं हैं उसमें हमारी दीनता ही अधिकांश रूप में झलकती है ना। या फिर हम अपना ही इस प्रकार से, आप देखिए अपने अपनी प्रार्थनाओं में हम कभी कभी सुनते हैं ना, मैं मूरख खलकामी, है ना, कृपा करो भरता, इस प्रकार से प्रार्थनाओं में हमारी दीनता झलकती है। तो हम जो है दीनता और क्रूरता के संतुलन को पाने का प्रयास कर रहे हैं अमानवीयता में। अब फिर उसके बाद में जब मानवीयता में जब हम स्वभाव को देखेंगे तो ये धीरता, वीरता और उदारता, इसमें आप देखिए इसमें कोई पोलैरिटी आपको नजर नहीं आएगी, ये मध्यस्थ स्वभाव है ना। फिर उसके बाद में जो अति मानवीय स्वभाव है, दया, कर कृपा और करुणा, वो एक्चुअली इससे भी आगे की स्थिति है जो कि मानवीयता के पोषण के अर्थ में है, शिक्षा देने के अर्थ में, है ना। तो पात्रता को विकसित करने के रूप में, या पात्रता है तो उसके अनुरूप वस्तु स्थापित करने के लिए, या पात्रता और वस्तु दोनों ही नहीं है तो उस दोनों को स्थापित करने के रूप में, तो वो अति मानवीय स्वभाव के रूप में बेसिकली पाया गया। तो मध्यस्थता की स्थापना ही एक प्रकार से देखें तो ज्ञान अवस्था में हो रही है, और बाकी अवस्थाओं का इस प्रकार से संरक्षण को का अधिकार जो है वो ज्ञान अवस्था को बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें ये बात कही है कि इस विधा में, यानी कि मानव पद में, मानव जो है वो उपयोगी और सदुपयोगी होकर होते हुए प्रयोजन पूर्ण होने की अपेक्षा बनी रहती है, है ना। तो यानी कि उपयोगिता और सदुपयोगिता को वो प्रमाणित करता है ऐषणाओं के साथ जीते हुए, साथ ही में उसमें प्रयोजन पूर्ण होने की अपेक्षा बनी रहती है। प्रयोजन पूर्ण कब होता है? दिव्य मानवीयता में प्रयोजन पूर्ण होता है ना, जिसमें करुणा को प्रमाणित करने की बात रहती है, या उपकार को, शुद्ध रूप से उपकार को प्रमाणित करने की बात रहती है। तो ऐषणा और उपकार के अंदर हम बेसिक डिफरेंस को देख सकते हैं। ऐषणा किसी कामना के साथ में हो रहा है ना, और उपकार जो है वो बिना किसी कामना के साथ में हो रहा है ना। तो उस तरीके से उपकार के लिए बाबा एक शब्द का उपयोग करते थे, उपकार निरामय होता है, मतलब इसके साथ में कोई उसके प्रतिफल की कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती है। तो उपकार को हमने परिभाषा पहले कहीं पढ़ा है कि समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना, किए हुए को कराना, है ना। तो दूसरे को इनेबल कर देना, अपने जैसा, जैसा हमें आता है वैसा दूसरे को बना देना, तो ये उपकार होता है ना। तो इसमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, जैसे वित्तेषणा में कामना है कि हम कुछ अगर फलों का बाग लगाएं तो हमारी कामना है कि उसमें फल आएंगे और हम उनको बेसिकली संग्रह करेंगे, हम उनका समय पर तोड़ेंगे और फिर उसके बाद में हमारे परिवार का भरण पोषण करेंगे, उस प्रकार की एक कामना उसके साथ में वित्तेषणा के साथ में रहती है, और वो पूरी तरीके से सामाजिक कामना है। उसी तरीके से जनबल कामना में भी हमारी ये कामना रहती है कि हाँ हमारे बच्चे हों, सुरक्षित रहें, और उस प्रकार से हमारा वंश जो है वो बना रहे, मानवीयता का वंश बना रहे, हमारे गांव में हर परिवार के स्तर पर, चाहे ना परिवार समूह के स्तर पर, हमारी जो है हमारा जनबल बना रहे, ये एक कामना रहती है, है ना। तो वो एक सामाजिक कामना है। उसी प्रकार से हमारी सार्थकता का जो यश है वो भी दूर दूर तक फैले, हमारी पहचान दूर दूर तक हो, सार्थकता के अर्थ में हो, ये भी एक मानवीय कामना ही है, है ना। तो परंपरा में एक्चुअली इसको भी एक प्रकार का अहंकार ही कहा गया कि हम अगर किसी तरीके से यश की भी कामना कर रहे हैं तो हम बेसिकली कुछ गलत कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, मानव की इकाईत्व का विलय नहीं होता है, मानव जो है अपनी इकाई का, अपना उसका वैभव बना रहना आवश्यक है, और उसका वैभव जो है इन सब चीजों के साथ में ही है। उसका परिवार समूह होता है तो उसमें परिवार विलय नहीं होता है, परिवार होता है तो उसमें मानव विलय नहीं होता है, परिवार ग्राम होता है तो उसमें परिवार समूह विलय नहीं होता है। तो इकाईत्व बना रहते हुए जो है इस प्रकार से व्यवस्था की बात हम पहचानते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आदर्शवाद से डिफरेंस है, जिसमें
इकाई के होने को पहचानते हुए उसके वैभव को प्रमाणित होने का सम्मान किया है। आगे चलते हैं। पूर्वानुक्रम अनुभूति में निहित क्रिया के रूप में विकसित का संकेत ग्रहण करना है, जिससे विकास की ओर प्रवृत्ति, प्रयास एवं उद्देश्य का रहना प्रारंभ आवश्यक है। तो ये जो हम बात कर रहे थे, पूर्वानुक्रम अनुभूति क्या होता है, अनुभव आत्मा में जो अनुभव है उसके अनुसार जो है सारा जीवन का हो जाना, तो उसमें क्या करना है, निहित क्रिया क्या रहेगी, विकसित का संकेत ग्रहण करना है। तो यानी क्या करना है, मन से विकसित क्या है वृत्ति, वृत्ति से विकसित क्या है चित्त, चित्त से विकसित है बुद्धि, बुद्धि से विकसित है आत्मा। तो विकसित का संकेत ग्रहण करना है ना। और इसी क्रम में जब व्यवहारिक रूप में देखते हैं तो ये जागृत व्यक्ति के साथ में संबंध, तो विकास की ओर विकसित यानी जागृत मानव के साथ में हमें उसका भी संकेत ग्रहण करने की इसमें प्रेरणा है, जिससे विकास की ओर प्रवृत्ति, प्रयास और उद्देश्य का रहना परम आवश्यक है। हर मानव जागृतिशील है अथवा जागृत होना चाहता है ना। हर मानव योग पूर्वक ही जागृत होता है, जागृति के लिए वह आतुर, कातुर, आकुल, व्याकुल, आवेशित अथवा उद्विग्न रहता है। तो जागृतिशील शब्द का अर्थ क्या है, तो जागृतिशील की कब से जागृतिशीलता की शुरुआत है, और तो मैं जिसका इसको ऐसा स्वीकारा हूं, मानव जब भी जागृति के लक्ष्य को स्वीकार लेता है ना, तब से उसको जागृतिशील कह सकते हैं, है ना। तो जागृति पूर्णता यानी कि दिव्य मानव पद तक और उसमें जागृतिशीलता का अंत है, और जागृतिशीलता की शुरुआत है जहां उसने अपना लक्ष्य स्वीकारा कि उसे जागृति पूर्ण होना है। तो कोई भी चीज का जो पूर्णता का ध्रुव होता है वहीं से ही उसकी शीलता का पहचान होती है। जब तक पूर्णता का ध्रुव पहचाना नहीं रहता है तब तक शीलता की पहचान नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति को कुछ अभी जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ उसका पास में मार्गदर्शन नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, और वो तो उसको हम जागृतिशील नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब कोई रेफरेंस नहीं है, वो कहाँ जाना चाहता है, कहाँ पहुंचना चाहता है, वो उसका क्लियर नहीं है। तो जागृतिशील वही व्यक्ति है जिसने अपना लक्ष्य को वहां पर स्थिर कर लिया, फिर उसके बाद में वो उसकी ओर क्रम को पहचानेंगे। तो क्रम को पहचानना बहुत आवश्यक है, और जागृतिशील जो शब्द है वो उसी अर्थ में है। तो क्रम को पहचानने के लिए जैसे हमने बात की कि एक ध्रुव होता है कहाँ पे पहुंचना है, और दूसरा ध्रुव होता है हम कहाँ पर हैं, है ना। तो कहाँ पर पहुंचना है वो उसको हमको स्थिर रखना होता है ना, यानी अपने लक्ष्य के रेफरेंस को हमको स्थिर रखना है। अगर लक्ष्य का रेफरेंस अपना डावाडोल है या अस्थिर है तो हम कभी भी अपने आप को वहां पर पहुंचता हुआ नहीं पा पाएंगे। जैसे सुविधा संग्रह जो है वो उसका लक्ष्य जो है वो स्थिर नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जाते हैं, वो बदलता रहता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है समाधान समृद्धि एक निश्चित लक्ष्य के रूप में पहचाना गया है, है ना। तो ये आपका जो लैडर है उसका जो एंड पॉइंट है उसको पहले फिक्स करना पड़ेगा, है ना। उसी तरीके से भक्ति विरक्ति का जो लक्ष्य जो है वो रहस्य में रहा, यहाँ पे क्या है एक निश्चित लक्ष्य को हम रख रहे हैं और वो स्थिर लक्ष्य है। अब उसके बाद में दूसरा लक्ष्य, हम जहां पर खड़े हैं, जहां पर हम खड़े हैं उस चीज के प्रति ईमानदारी की आवश्यकता है, ऑनेस्टी की जरूरत है। वहां पर एक्चुअली अगर हम कुछ घालमेल करते हैं, अपना अधिमूल्यन करते हैं, अवमूल्यन करते हैं या निर्मूल्यन करते हैं, तो भी हमें उसमें परेशानी है, तब भी हम लक्ष्य में नहीं पहुंच सकते। तो अपना सही सही मूल्यांकन करना भी आवश्यक है, और अपना लक्ष्य को भी स्थिर रखना आवश्यक है। लक्ष्य को स्थिर रखना पहली आवश्यकता है, अपना सही मूल्यांकन दूसरी आवश्यकता है, फिर उसके साथ में प्रयास को जोड़ने की आवश्यकता है।
ठीक है, तो इसमें आतुर कातुर आकुल व्याकुल आवेशित और उद्विग्न, ये मतलब ये जो शेड्स जो हैं है ना, उनको हम आगे इनकी परिभाषा को देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। आतुर मतलब पात्रता से अधिक इच्छा प्रकट करने का प्रयास, है ना। तो मानव, तो ये देखिए आतुरता एक तरीके से ठीक है कि हाँ कुछ हम जागृत होना चाहते हैं, मतलब बहुत इंथुजियाज्म शो करना, आतुरता शो करना, लेकिन आतुरता अपने आप में कोई अच्छी बात हो ऐसा हम नहीं कह पाएंगे, है ना। उसको ऐसा नहीं कह पाएंगे कि आतुरता से, आतुरता कोई लक्ष्य नहीं है। तो सहज गति में आने के बाद ही कुछ ग्रहण होता है। दूसरा कातुरता, वांछित इच्छा पूर्ति के लिए शीघ्रता से कार्यरत होना जिसमें कुशलता निपुणता पांडित्य का अभाव हो, है ना। कातुर उस व्यक्ति को कहेंगे जो, मतलब जैसे मान लो किसी को स्वीकार हो गया, हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही जीना है, इस तरीके से ही करना है, लेकिन अभी उसकी योग्यता नहीं है, है ना। उसके लिए निपुणता कुशलता जो चाहिए वो आपके पास है नहीं और आप कूद पड़े, है ना, तो उसमें क्या है, उसमें घायल होना होगा ही, है ना। जैसे हम लोग शुरुआत के समय में बाबा जी के पास में जाते थे तो बाबा की बात हमको बहुत अच्छी लगती थी। हम लोग चाहते हैं सब छोड़ो, इस मतलब कूदो, जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ो और इसको करो। तो बाबा जी इस बारे में बिल्कुल मतलब कहते थे कि हमको घायल विहीन विधि से चलना है ना। इसमें आतुरता कातुरता काम नहीं करती है, है ना। यथास्थिति को बनाए रखते हुए, है ना, यथास्थिति को बनाए रखते हुए अपने अगली कड़ियों को पहचानो, बिना घायल किए हुए, बिना घायल हुए हुए, है ना, उस तरीके से अपने को चलना है। तो ये कोई भी, ये जो दर्शन है ये किसी भी प्रकार के एक विद्रोह या आंदोलन की सलाह नहीं दे रहा है। ये एक पूरी तरीके से एक सीमलेस एंड वूंडलेस ट्रांजिशन की बात कर रहा है कि आदमी सहज रूप से जीते जी अपने आप में परिवर्तन को ला सकता है, है ना। उसके लिए हमको कोई उठा पटक करने की आवश्यकता नहीं है, सहज परिवर्तन की करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा लेकिन तोड़फोड़ विधि से नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे कि आतुरता कातुरता जो है, यानी पात्रता से अधिक इच्छा, पात्रता से ज्यादा हम ग्रहण कर भी नहीं पाएंगे, है ना। तो पात्रता का विकास होना भी आवश्यक है और जो हम कर पाएंगे उतना ही कर पाएंगे जितना हमारी योग्यता है। तो योग्यता का विकास करे बगैर हम कुछ करते हैं वो अधूरा ही होगा। तो इसमें योग्यता के ऊपर ध्यान देना और पात्रता के को विकसित करना, इसमें अपना क्रम से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे क्षमता योग्यता को अर्जित करने की आवश्यकता है। एक बार बाबा जी से संवाद में उनसे पूछा तो बाबा जी भी है ना ऐसे बोले कि देखो हम ना कछुआ चाल चल रहे हैं, है ना। तो आई थॉट, मुझे थोड़ा सा उस समय लगा कि बाबा मुझको बोल रहे हैं कि मैं बहुत स्लो हूँ, धीरे समझता हूँ, और है ना। तो मैंने कहा कि तो आप बताइए क्या करें, कि या कोई हिरण की चाल से चल रहा हो तो उसका उदाहरण दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो बेटा इसमें कछुआ चाल से ही चला जाता है ना। तो इसमें बेसिकली आतुरता कातुरता जो है वो काम नहीं करती है। तो वांछित के अभाव की पीड़ा का अनुभव, व्याकुल वांछित की पीड़ा से भर जाना, है ना। उद्विग्न वांछित क्रिया में अप्रत्याशित गति। तो ये आकुल व्याकुल जो है वो एक प्रकार की प्यास की ही स्थिति है कि हम सुख चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, मूल संबंधों में न्याय चाहते हैं और वो हमको मिल नहीं रहा है, हमको उसका अभाव महसूस होता है और उसकी पीड़ा महसूस होती है, उसको आकुलता कहते हैं। और व्याकुलता जो है वो एक प्रकार की बेचैनी है कि भाई जो हम चाहते हैं उसकी पीड़ा हमको हुए, तो पीड़ा से हम भर गए हैं। तो वो एक कटाह स्थिति की आती है कि हम जो है अब तो इससे निकलना ही आवश्यक है, अब तो इसका समाधान ही होना होगा, इसको हम बनाए नहीं रख पा रहे हैं। तो ये भी ठीक है कि
ऐसा भी एक कई बार बाबा जी कहा करते थे, ज्यादा पीड़ा जल्दी राहत। मतलब जो आदमी ज्यादा पीड़ा में आ जाता है ना, अपनी ही भ्रम से जीतने की जो है स्थिति से स्वयं उसका उसका मूल्यांकन हो जाता है कि वो जो जगह पर खड़ा हुआ है वो कोई स्वस्थ जगह नहीं है, तो वो उसके लिए सही दिशा में अगर हाथ पांव मारेगा तो वो उससे निकलेगा ही। उद्विग्न मतलब वांछित क्रिया में अप्रत्याशित गति, मतलब जितना एक्सपेक्टेड नहीं है उससे भी ज्यादा मूवमेंट उसका हो, है ना। बेचैनी के साथ में हम कुछ एकदम से कुछ करते हैं वो उद्विग्नता की स्थिति है। आवेश अतिक्रमण या आक्रमण से प्राप्त दबाव आवेश है, है ना। तो ये सब स्थितियां जो है वो भ्रमित स्थितियों में ही है, और शायद ये अध्ययन क्रम में भी हम अपने आप में इन चीजों को महसूस किए ही होंगे या करते हैं या करने की संभावना है। तो इनको सबको सामान्य होने की आवश्यकता है, क्योंकि सहजता की स्थिति में ही अध्ययन हो सकता है, है ना। ये आवेशित विधि से या आतुरता कातुरता की स्थिति में जो है अध्ययन नहीं होता है। तो बाबा जी बोल ऐसे कहते थे कि सुख शांति करना होगा। आतुरता करते हैं तो एक तरीके से उस रास्ते पर साबुन लग जाता है, फिर उस पे फिसल जाते हैं। तो इसलिए पैर जमा जमा कर चलने का उन्होंने संदेश अपना दिया है। अगला जो है विधिवत आचरण, जिसमें धर्म नीति और राज्य नीति सम्मत व्यवहार। तो ये हमने अध्याय 16 में अध्ययन किए थे धर्म नीति और राज्य नीति को। तो धर्म और राज्य को हमने देखे ही थे कि इस किस प्रकार से ये दो व्यवस्थाएं हैं जो कि मानव के तन मन धन के सदुपयोग और सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, और किस प्रकार से बाबा जी ने इनको इंस्टीट्यूशन से निकाल कर, है ना, परिवार के अंदर समाहित करने का एक मार्ग दिखाया है कि परिवार में धर्म और राज्य दोनों को समाहित करके स्वराज्य का स्वरूप यहाँ पर दिया है। कि धर्म जो है अब वो मंदिरों में ना रहकर धर्म को परिवार में शामिल कर लिया, राज्य को जो है बाहर किसी न्यायालयों और कार्यालयों और है ना, यानी जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव है ना, ये सब जो होती हैं उनके उनके उन शासन के अंदर स्थान कर देने के स्थान पर परिवार में उनको समाहित कर लिया। तो नीति, धर्म नीति और राज्य नीति को ये जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था जो उन्होंने प्रस्तावित की है, उसमें धर्म और राज्य को की जिम्मेदारी जो है वो परिवार विधि से लेने का मार्ग दिखाया है, और फिर परिवारों को सोपानवत व्यवस्थित करने का एक विजन को भी प्रस्तुत किया है। आगे हम इसके बारे में जो अध्ययन करेंगे तब इसके बारे में हम और विशद इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इस सूत्र से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। आस्वादन एवं अनुभूति के लिए ही मानव द्वारा विभिन्न सभी पक्षों का अनुसंधान, संधान, प्रयोग व व्यवसाय, अभ्यास तथा आविष्कार किया गया है ना। तो यहाँ पे आस्वादन से आशय है जो शरीर के द्वारा जो होता है, अनुभूति से जो आशय है जो कि अनुभव के स्तर पे, जो ज्ञान के स्तर पर जो पहचाना जाता है। तो इन दोनों के लिए ही मानव ने जो है सारे जो अनुसंधान किए हैं, संधान आई थिंक किसी सिस्टम को बनाने को कहते हैं, जैसे किसी एक जगह पढ़ते ना कि किसी धनुष का संधान किया या किसी यंत्र को बनाया, किस प्रकार से संधान वहां से है वो शब्द, कि कोई भी सिस्टम या कोई भी तंत्र को बनाना उसको हम संधान कह रहे हैं। प्रयोग और व्यवसाय, अभ्यास और आविष्कार, ये सब जो है मानव ने किस लिए किया है, या तो आस्वादन के लिए या फिर अनुभूति के लिए। तो आस्वादन किसको कह रहे हैं, जो जिसमें नहीं हो या कम हो और उसको पाने की इच्छा हो, है ना।
ऐसी स्थिति में उसकी उपलब्धि से प्राप्त प्रभावपूर्ण क्रिया की जिसमें तृप्ति या तृप्ति की प्रत्याशा अवश्य हो उसको आस्वादन संज्ञा है ना। कितना बढ़िया परिभाषा हो गई कि इसमें जो है जो अभी अभी नहीं है या कम है या उसको पाने की इच्छा है, ऐसी स्थिति में वो प्राप्त हो जाए तो मोहन की तरफ जाते हैं या फिर वो द्वेष की तरफ जाते हैं। तत्सानिध्य एवं तदावलोकन होना जागृत मानव परंपरा में भावी है। इससे स्पष्ट हुआ कि चरम विकास और जागृति होगा।